नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। बिलासपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्वाइन फ्लू का कहर बिलासपुर में जारी है। स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हुई, निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। जिले में स्वाइन फ्लू के 107 मरीज आ चुके हैं सामने। स्वाइन फ्लू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के 46 केस एक्टिव हैं। तो अभी भी स्वाइन फ्लू के 46 केस एक्टिव बने हुए हैं। लगातार स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है और 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 46 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं स्वाइन फ्लू के। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू ने लोगों की नींद उड़ा दी है, जहां 33 वर्षीय महिला की निजी अस्पताल में मौत हो गई। शहर में अब तक 5 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत होने पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जहां पहले लोगों पर डायरिया मलेरिया का प्रकोप भारी पड़ रहा है, वहीं अब छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू अपना कहर ढा रहा है। खासकर बिलासपुर में स्वाइन फ्लू लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। बिलासपुर में 33 वर्षीय महिला की निजी अस्पताल में मौत हो गई। स्वाइन फ्लू से शहर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 96 से ज्यादा स्वाइन फ्लू मरीज सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू के 95 केसेस अब तक हमारे जिले में जानकारी में आ चुके हैं और जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ का अपोलो में चल रहा है, कुछ का सिम्स में चल रहा है और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से अब तक 5 मौतें यहाँ पे हो चुकी है, जिसमें 2 हमारे जिले के बाहर की है और 3 हमारे जिले में है। तैयारियों के मामले में हम लोगों के पास सारी दवाएं उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू के लिए जो टेमीफ्लू दवा है वो हम लोग के पास उपलब्ध है। जो मरीज होम आइसोलेशन में है उनको वो दवा दी जाती है और उनके जो कॉन्टेक्ट है, उनके जो परिजन है, सबका भी परीक्षण किया जाता है। मौसमी बीमारियों को लेकर हो रही मौत पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने इसे लेकर सरकार को घेरा है और लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बताया है। सरकार की लापरवाही से पहले डायरिया जो है वो काबू में नहीं आ पाया, उसके बाद मलेरिया, डेंगू और अब स्वाइन फ्लू भी जो है वो इस प्रकार से पैर पसार चुका है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के अधिकारी फंड नहीं है, ये भी बात मीडिया के माध्यम से जानकारी में आई है। तो सरकार जो है वो फंड दे बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो सके। डेंगू और स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर बिलासपुर में स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है। बावजूद इसके डेंगू स्वाइन फ्लू लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टे। और चलिए अंकुश का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अंकुश। अंकुश, लगातार छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि इनको रोका जाए, इनकी रोकथाम की जाए, लेकिन बावजूद इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट इस समय बना हुआ है वो बिलासपुर बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश के बिलासपुर जिले यानी न्यायधानी बिलासपुर कहा जाता है, और उस जिले में अब तक 107 मरीज जो हैं वो मिल चुके हैं और अभी भी 45 स्वाइन फ्लू के मरीज एक्टिव हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों के बाद कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार इस कोशिश में है कि स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं या स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उस पर काबू पाया जाए। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो एकमात्र जिला है जहां पर स्वाइन फ्लू की पहचान हो पाई है, और कोरबा जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके के कुछ लक्षण मिले थे। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो कोरबा में जो मौत हुई है वो स्वाइन फ्लू से ही हुई है। तमाम चीजें पता की जा रही है। स्वाइन फ्लू की शुरुआत जो है वो करीब 2 महीने पहले से हुई थी और उसके बाद जब जैसे ही लक्षण मिलने शुरू हुए थे, जैसे ही वायरस डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से हिस्ट्री जो है वो तलाशनी शुरू की है। जितने भी लोग इस वायरस से पीड़ित मिल रहे हैं उनके तमाम
तमाम घर परिजनों को, तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि उनका किसी और से संपर्क ना हो ताकि ये वायरस फैल ना सके। इस वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम कवायद जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी ये वायरस और इसकी जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम अगर बात करें तो हाल ही में जो एनटीपीसी इलाके के सीपत क्षेत्र में रहने वाले एक जो बुजुर्ग की मौत हुई है, उसके बाद कई तरह के सवाल ये उठे हैं कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को भी संक्रमण मिल, ऐसे व्यक्तियों में भी संक्रमण मिल रहा है जो बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं है, जो घरों में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिल नहीं रहे। चिंता का विषय बना हुआ है और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है, आप बने रहिए अंकुश, इसी बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। सिलवानी के तिनघरा गांव में हैजा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हैजा की बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 3 एक ही परिवार के थे। गांव के 57 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है। 10 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शुरू कर दिया है अब इलाज। रायसेन से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है अभी फिलहाल इस पूरे मामले में? हैजा का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है, लोग उल्टी दस्त की शिकायत की वजह से परेशान हैं। स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, कितने लोगों का अभी तक इलाज जारी है? देखिए, लगातार बरसात के कारण जो पानी दूषित हुआ है, इसके कारण हैजा, उल्टी दस्त वगैरह इसके प्रकोप जिले में देखने मिल रहे हैं। रायसेन जिले का जो तिलवानी तहसील है उसके गांव में भी सिर्फ प्रदूषित पानी फैलने के कारण जो जल स्रोत थे वहां पर पानी जमा इकट्ठा जमा हो गया था, उस जमा पानी को पीने के कारण यहां लोग बीमार हुए हैं। यहाँ लगभग 57 लोग बीमार हुए हैं जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो खास बात यह है कि 5 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार के हैं। जैसे ही ये है जिनकी खबर जिला मुख्यालय पर आई, जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई थी, जिला कलेक्टर वहां पहुंच गए थे, इसके अलावा मेडिकल की जो टीम है वहां पहुंच गई थी, सीएमएचओ पहुंच गए थे और लगातार वहां कैंप लगा के वहां चिकित्सा की टीम बैठी हुई है। और जो 57 लोगों में से जो 10 लोग ज्यादा क्रिटिकल थे उनको सिविल अस्पताल सिलवानी में भर्ती किया गया जहां उनका इलाज जारी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीएचई का जो महकमा है वो वहां पहुंच गया है, क्योंकि जो ट्यूबवेल गांव में लगा है जिससे पानी की सप्लाई होती है, ट्यूबवेल के आसपास में पानी बारिश का जमा हो गया था उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई थी, तो पीएचई उसको भी ठीक कर रही है। जी बिल्कुल अंकुश, एक तरफ तो डायरिया का प्रकोप है, स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रोकथाम इसकी की जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जिला किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बीमारी की वजह से प्रभावित ही हो रहा है और लक्षण अमूमन सभी के सेम आ रहे हैं। ज्यादा लोग लापरवाही ना बरतें, जल्द से जल्द इलाज लें, डॉक्टर के पास चेकअप जाके करवाएं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे ही स्वाइन फ्लू के वायरस की दस्तक हुई या फिर डिटेक्ट हुआ, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। अच्छी चीज ये है कि अब तक स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं वो बिलासपुर संभाग के या बिलासपुर जिले के आसपास ही मिले हैं और वहां पर अब तक 107 मरीजों की जो पहचान हुई है, जिसमें से 40 से ज्यादा मरीज जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। उसके बाद जो अलर्ट जारी किया गया है वो प्रदेश के तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और सभी सीएमएचओ ने अपने अपने क्षेत्रों में जो हिस्ट्री है वो तलाशने की कोशिश की है। मौसमी बीमारियां हैं और अगर हम बात करें तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तो कहीं डेंगू की परेशानी है, कहीं अन्य बीमारियों की परेशानी है, सर्दी जुकाम से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में जो दवाइयां हैं वो पुख्ता हों, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता हों, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से स्वाइन फ्लू जो वायरस डिटेक्ट हुआ था उसके बाद उसकी जो हिस्ट्री तलाशने की कोशिश की जा रही है, जब तक एक व्यक्ति की हिस्ट्री तलाशी जाती है तब तक दूसरा कोई संक्रमित मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर उसकी हिस्ट्री के पीछे एक टीम लगाई जाती है। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस इलाके में स्वाइन फ्लू फैला कैसे, कहां से इस वायरस की शुरुआत हुई और उसके बाद उस वायरस को पकड़ के उस या फिर उस पूरे क्षेत्र को डिटेक्ट करके वहां पर जरूरी जो जितने भी कदम हो सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन
थोड़ी सा लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लोगों से ये अपील कर रहा है कि मौसम के चलते जो वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक इस वायरस पर काबू पा पाना या उस संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से जो अपील की जा रही है उसमें लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, वो एहतियातन बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो वायरस से उनको बचा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापरवाही के चलते खुद को कैसे बच सकते हैं अंकुश, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कई बार ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि सामने वाला पीड़ित है और उसकी वजह से फिर हम खुद संक्रमित हो जाते हैं। कैसे इस बात का पता लगाएं, क्योंकि हमेशा के लिए या फिर लंबे समय तक घरों में कैद होकर लोग नहीं रख सकते हैं, काम के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, अगर लोग जिले में कहीं मार्केट जा रहे हैं वहां पर कोई अगर संक्रमित है तो उससे अगर कोई संक्रमित हो जाता है उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो ये चेन तो लगातार चलती जा रही है, ऐसे में रोकथाम इसकी कैसे की जाए? देखिए रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्ट तौर पर यही लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लक्षण लगते हैं किसी भी प्रकार के, अगर आपको लगता है कि सर दर्द है, बुखार है या सर्दी जुकाम हो रहे हैं थोड़ा सा, या अंदेशा है कि आने वाले समय में सर्दी जुकाम हो सकता है या फिर बुखार आ सकता है तो आप टेस्ट कराएं। टेस्ट अगर आप कराएंगे तो स्वाभाविक तौर पर जब शुरुआती लक्षण के दौरान ही आपका इलाज शुरू होगा तो वो उस बीमारी पर पूरी तरीके से काबू पा पाना डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा आसान होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी स्थितियां इसलिए बिगड़ती हैं कि मरीज जो है पहले वो संक्रमित होता है और अगर वो संक्रमित होने के बाद खुद ही छोटी मोटी दवाई या मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही इलाज ना मिल पाने के कारण उसकी स्थिति जब गंभीर होती है तो फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप तत्काल हॉस्पिटल आइए, इलाज कराइए। अगर टेस्ट होंगे, टेस्ट में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को अगर सर्दी जुकाम है और अगर वो हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटल में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं तो वो नॉर्मल सर्दी जुकाम उसको निकला, बाकी की कोई भी बीमारी उसको नहीं निकली, बाकी का कोई भी संक्रमण उसको नहीं निकला तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है तब हॉस्पिटल पहुंचता है और जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब जब उसका इलाज शुरू होता है तो उसको ठीक करने में डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इलाके में संक्रमण फैला हुआ है, जिस इलाके में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है उस इलाके में लोगों को इतना तो कर ही सकते हैं कि वो हॉस्पिटल जाके अपने आप का टेस्ट करा सकते हैं, भले ही वो स्वस्थ है, भले ही उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो अपने टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि उनके अंदर कोई संक्रमण है या नहीं, अगर नहीं है तो ये अच्छी बात है, अगर है तो थोड़ी सी दवाई में और कम समय में उनको ठीक किया जा सकता है। और अगर किसी को लक्षण निकलते हैं या किसी को संक्रमण निकलता है तो वो खुद अपना इलाज कराए, साथ में परिवार वालों का भी टेस्ट कराए ताकि परिवार के लोगों को भी ये चेक किया जा सके कि उनके परिवार के लोगों में भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं है। सबको सुरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि केवल हमको अपना टेस्ट कराना है, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमको अपना टेस्ट कराने के साथ साथ अपने जो पड़ोसी है उनको भी अवेयर करना है, अपने घर परिवार के लोगों का टेस्ट कराना है और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इलाज बताया गया है, जो डॉक्टर्स की निगरानी में जो दवाइयां दी जाती हैं उसको नियमित रूप से खाना है, उसको नियमित रूप से बताना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का समय है, लगातार बारिश का समय भी है और सावधानी बरतनी होगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खुद को भी सुरक्षित रखना है और अपने आसपास का जो एरिया है और वहां जो लोग रह रहे हैं उसको भी सुरक्षित रखना है। अब अगर हम बात करें उल्टी दस्त की शिकायत लगातार हो रही है, हैजा फैलने की जो शिकायत है वो लगातार दीपक बढ़ती जा रही है, क्या इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि दूषित पानी पीने की वजह से, और ये अगर लोग वहां पर व्यवस्थाएं फिर क्या की गई है, कोई शुद्ध पेयजल क्या उपलब्ध करवाया गया है ग्रामीणों के लिए, लोगों के लिए क्या सही व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं अभी तक प्रशासन की ओर से? जी हाँ, देखिए पेयजल की जो तक हम बात करें तो किसी का मामला लगा हुआ है, इसके अलावा लिफ्ट गांव में कुछ अच्छा पानी वहां भेजा जा रहा है तो स्रोत से वहां सप्लाई होती है, वहां जो आसपास पानी जो जमा था उसको वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा उस जल स्रोत के आसपास मिट्टी से पिछड़ कर दी गई है ताकि उसको दोबारा वहाँ पानी इकट्ठा ना हो सके, और इसके अलावा वहाँ जो डॉक्टर्स की जो टीम है जिला अस्पताल की वो लगातार वहाँ पर मौजूद है, कैंप किए हुए हैं और वहाँ लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं।
जी ये भी बताइए दीपा कि ये जो लोग पीड़ित हैं अभी तक है जो कि वजह से जो संक्रमित हैं इनकी उम्र क्या होगी, क्या इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं? नहीं, इसमें छोटे बच्चे तो शामिल नहीं है, ये सभी वयस्क लोग हैं और जिनकी मृत्यु हुई है वो भी सब तीनों वयस्क ही थे। तो अभी बच्चों तक ये कम से कम ये गनीमत की बात है कि बच्चों तक ये रोग नहीं पहुंच पाया है। तो स्थिति वहाँ लगातार तेजी से वहाँ सामान्य होती जा रही है। जिन 10 लोगों को वहाँ सिलवानी के जो सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया था उनमें से भी 3 लोगों की छुट्टी हो गई है, 7 लोग अभी भी वहाँ चिकित्सा विभाग ने एहतियात के तौर पर उनको वहाँ रखा है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की भी इसकी वजह से जान जा रही है।